गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पार्ट आठ जो आज नहीं है, मतलब पार्ट आठ शाम में ये वाला पार्ट भी एग्जाम में आएगा हाफेली। हाँ हाफेली के लिए टेंथ तक है। शाम एक किसान पार्ट आठ बसंत भाग दो से पेज नंबर। सर आज हम इसे शुरू करेंगे ना। हाँ 63 पेज, पेज नंबर 63 है ना। शाम एक किसान आपका तो देख लीजिए। श्याम एक किसान के बारे में बताया गया है ना। श्याम का समय और एक किसान का चित्र इसमें दिया गया है ना। श्याम का समय सूर्यास्त हो रहा है और किसान बैठा हुआ है ना। वह देख रहा है जाड़ों की ढलती हुई श्याम है। जाड़ों की श्याम, सर्दियों की श्याम जो है वो है इसमें। उसका वर्णन है पहाड़ है, सूरज है, पेड़ है, नदी बह रही है। इसका जो है चित्र इसमें दिया गया है। जैसा आकाश का सापा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अर्थात एक किसान जो है शाम के समय आकाश रूपी सापे को बांधकर सूरज की चिलम, सूरज एकदम धीरे धीरे लाल हो रहा है, सूरज ढलने को है और पहाड़ को देख रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर थी, उसके आगे जो है उसके घुटनों के आगे नदी दिखाई दे रही है, एक चादर के समान पड़ी हुई है। पास ही देख रही पलाश के जंगल की अंगीठी और उसके आस पास जो है पलाश के पेड़ जो है उसमें लाल रंग के फूल हैं। वह जो है अंगीठी के समान लाल लाल हो रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार जो है पूरब में जो है पड़ रहा है, क्योंकि सूरज पश्चिम में चढ़ता है तो अंधमा तक पूरब की ओर तक उसकी किरणें नहीं जाती, इसलिए अंधकार पूरब में ज्यादा फैल रहा है ना। सिमटा बैठा है पेड़ों भीड़ों के गले सा, ऐसा लग रहा है जैसे काले रंग की भीड़े बैठ गई हो। अचानक बोला मोर, इतने में एक मोर की धमनी आई, जैसे किसी ने आवाज दी, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम ओंधी। अर्थात सुनते हो चिलम ओंधी मतलब सूर्यास्त हो गया, चिलम ओंधी का अर्थ है सूर्यास्त हो गया, सूर्य ढल गया, अंधकार हो गया, रात शुरू हो गई, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, चारों तरफ जो है कोहरा छा गया और सूरज डूब गया, अंधेरा सा छा गया। इसमें कविता में ये बताया गया है। तो इस प्रकार से आपने इस कविता को देखा तो इसमें मोर पक्षी के बारे में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो, इसके बारे में बताया गया है और इसको आप सुन लिया कविता का मीनिंग जो क्या बताया गया है। सर क्या हमें ये कविता लिखनी है? इस कविता को आप बहुत ही अच्छी तरह से लिख लीजिए दोनों पैराग्राफ होमवर्क में, और इसके कोई भी दोनों में से एक चित्र सर अभी लिख दे। होमवर्क में लिख लो करो, अभी तो पढ़ाएंगे ना फिर, अभी तो अभी भी आप लिख सकते हो, लेकिन टाइम बर्बाद होगा, फायदा नहीं है ना, घर में कर सकते हो आप। ओके सर। एक पेज हो गए, एक पेज हो दीजिए इसके लिए, केवल एक पेज, एक पेज जो छोड़ दीजिए आप लिख सकते हैं ना। इसमें जो कठिन शब्द आता है मेरे विद्यार्थी आपसे आम आपको बता देते हैं, कठिन शब्द कौन कौन से हैं। सापा सिलमेपा, जैसे सापा आया कठिन शब्द, पाठ कविता में आए कठिन शब्द, पहले कविता में आए एक पेज होते, मैंने दो पेज होते, बल्कि यदि आपका एक पेज है तो एक में आप चित्र बनाओगे, एक में वो रखोगे, दो पेज छोड़ दें, एक में चित्र बनाना है, चित्र में हल्का ट्राई कलर का है ना। पाठ का नाम लिख लें श्याम एक किसान पाठ आठ, कवि का नाम है सरेश्वर दयाल सक्सेना, ये आप ऊपर लिख लें हेडलाइन में, और फिर कविता लिखें और फिर चित्र बनाने दूसरे में, दोनों में से कोई एक चित्र बनाने कोई भी जो आपको सरल लगे है ना, और उसको रंग दें जैसा रंग होता है, सूरज का लाल रंग है लाल रंग से दर्शाएं। और किसान जो कपड़े पहना कोई भी कपड़े आप पहना सकते हो, मोर तो हरा ही होता है तो हरा चित्र रहेगा, काले धब्बे रहेंगे उसमें बीच बीच में, डाली करी हुई बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कविता में आए कठिन शब्द, कविता में आए कठिन शब्द उनके अर्थ, उनके कविता आए कठिन शब्द, जैसे जैसे शब्द आया साफा, साफा
साफा सिर में सिर पर बांधने वाली पगड़ी साफा कहते हैं उसे, जो आसान साफा जो होता है सिर पर बांधने वाली पगड़ी सिर पर बांधने वाली पगड़ी बांधने वाली पगड़ी सिर पर बांधने वाली पगड़ी दूसरा जो है साफा की बताया चिलम के ऊपर रखने वाली वस्तु चिलम चिलम कर दे फिर चिलम अजय नाम के बाद ओके पर रखने वाली वस्तु तीसरा जो है कठिन सत्य देखने पड़ेंगे प्लास बड़ा फूल होता है लाल बड़े फूल होते हैं इसमें लाल रंग के फूल होते हैं लाल रंग के फूलों वाला पेड़ जी दहक रही है जल रही है दहक रही है सर आपने बांधने को बेंधने लिख दिया क्या बांधने सर आपने उसमें थोड़ी गलती कर दी उसमें आपने एक ही मात्रा भी लगा दी इसमें लगा दी एक ही मात्रा सर बे ये बे के ऊपर नहीं है बांधने सिर पर बांधने वाली वस्तु बे के ऊपर तो आएगी बांधने सर आपने वो चंद्र बिंदु मात्रा लगाई है लाइन से टच हो रही है सर बा सर आपने सिर पर ये कह रहा है कि बांधने की जो चंद्र बिंदु है वो लाइन से टच हो रही है तो इसको बे लग रहा है वो दूर दूर से लगा हुआ बांधना ही है बांधने हैं बांधने है चंद्र बिंदु भाई बांधने तुम्हें ऐसा लग रहा होगा दूर से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं सही कह रहे हो सिर पर बांधने वाली पगड़ी है ना प्लस मतलब लाल रंग के फूलों वाला पेड़ दहक रही है जल रही है दहक रही है जल रही है कवि और कविता आपका नाम लिखने के लिए आएगा और दो दो मार्क के दो प्रश्न रहते हैं और ध्यान से प्रश्न इसके लिए आठ से लिख लो ना पहले पहले पहला का आपका उससे पहला बहुत छोटे ही आएगा पहला बड़ा हो जाएगा इस तरह से दूसरे पेज में लिखना आप नोटेड सर हाँ तो आगे का ये हम अपना तो बताऊंगा ना इस तरह से देखिए जैसे संस्कृत लगते हैं उसी आधार पर लिखिए इसमें पहला काव्यांश पहला काव्यांश कविता का पहला काव्यांश
कविता का पहला कौन सा आकाश का नाम से होता है आकाश का आकाश का आकाश का गले सा आकाश का गले सा ठीक है सर राइट वाले बोर्ड की तरफ से कट रहा है समझ रहे हैं ना ये चलिए बस सर अब ठीक है सर अब ठीक आकाश का गले सा ठीक है ना इस प्रकार से करिए और प्रकार से इस नाम देखिए आवाज का भाव और अर्थ दोनों ही होता है आवाज आवाज का मीनिंग क्या कहना चाह रहा है ना आकाश कभी कहता है कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है सूरज की चिलम खींचता
लास का जंगल है। लास में तो बताया लास लाल रंग के फूलों वाला पेड़ वहां पर बहुत है ना, लास एक लास का जंगल है। इस ग्लास के पेड़ पर लाल लाल खिले हुए फूल मिट्टी के समान जलते हुए दिखाई देते हैं, अंगूठी के समान जलते हुए। सर क्या आप पोएम का असाइनमेंट डालेंगे? कविता का मीनिंग दे रहे हैं कविता का दूसरा पार्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो हम कॉपी में हमें कविता लिखनी है ये वाली, क्या इसको असाइनमेंट आप गूगल क्लासरूम पे डालेंगे? डालेंगे। चित्र सहित शाम एक किसान कविता लिखें, चित्र का असाइनमेंट गूगल क्लास। चित्र भी बनाना है जी? चित्र कोई दोनों में कोई बना सकते, ऑप्शनल है। दो चित्र दे रखे ना, ऑप्शनल है, कोई भी एक बना सकते। ओके सर। ओके, हल्का ट्राई भी कर सकते हैं। किसान का बना सकते हैं जी? सर दोनों में से कोई एक बनाना है ना। हाँ बिल्कुल सही। कविता का दूसरा काव्यांश, कविता का दूसरा काव्यांश। सर इधर का बोर्ड नहीं दिख रहा है, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड को थोड़ा मतलब कैमरा को थोड़ा उधर घुमा दीजिए। हम देखते कविता का दूसरा काव्यांश, काव्य प्लस अंश मतलब काव्य का भाग, कविता का भाग,
भाव्यांश, काव्य प्लस अंश, अंश का होता है भाव, काव्य मतलब कविता है ना, कविता को ही काव्यांश कहते हैं, कोई कविता जो गाई जाती है, बोली जाती है, वो काव्यांश कहलाती है। सर इसके बाद वाला पीरियड भी आपका ही है क्या जी? लास्ट वाला ना अंत मेरा नहीं है ना, इससे दूसरा है, इसके बाद जो ठीक है लास्ट दूसरा किसी और का होगा, वो दूसरा मेरा दूसरी क्लास में है, ठीक है। कविता का दूसरा काव्यांश, इसे मैसेज डाल रखा हूं देखना आप आपके व्हाट्सएप में, कविता का दूसरा काव्यांश, ठीक है। अचानक बोला से लेकर अचानक बोला से लेकर अंधेरा छा गया, अंधकार छा गया, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया, हो गया, है ना, अंधेरा छा गया, है ना, ये प्रकार दिख रहे हैं। भावास, आवास, भाव प्लस अर्थ, भावास, भाव कहने का मतलब क्या है, अर्थ उसका एक्सप्लेनेशन, मीनिंग क्या है, वो जो है दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है। अर्थ जब देते हैं तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे भाव क्या कहना चाह रहा है कभी उसकी बात को स्पष्ट करके लिखना भावार्थ कहलाता है, तो उससे भाव और अर्थ दोनों ही शामिल है। कवि ने प्रकृति को मनुष्य के समान विशेषता है, कवि ने प्रकृति को मानव के समान मानकर, मानव के समान मानकर चित्रण किया है, रचना किए हैं, चित्रण किया है, दर्शाया है, बताया है, चित्रण किया है, उसे पहाड़ एक से पहाड़ के किसान के समान, के समान लगता है, उसे पहाड़ एक किसान, उसे पहाड़ एक किसान के समान लगता है, उसे पहाड़ एक किसान के समान लगता है, जिसने अपने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है, जिसने अपने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है, सर थोड़ा थोड़ा बोर्ड कट रहा है, आप उधर घुमा दीजिए। एक मिनट, बहुत अच्छे, बस हाँ सर अब ठीक है, ओके। इसने अपने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा, साफा मतलब पगड़ी है ना, सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी, साफा Thank you.
फूल पर लाल लाल फूल लगे हुए हैं, तो जलती हुई अग्नि के समान। सर थोड़ा थोड़ा और उधर कर दीजिए, अब कट रहा है उधर का। कट रहा है उधर का, तुम्हारा पूरा हो गया, पर मैं कह रहा हूँ। यस सर, सब थोड़ा सा और कर दीजिए सर। और करते हैं सर, थोड़ा सा और कर दीजिए। बस yes, सर ओके सर, दिख रहा है बच्चा। ओके okay. मैं ये सोचता हूं उधर का किसी ने नहीं किया तो भाई मुझे दिक्कत हो जाएगी। सर कैमरे को थोड़ा सा राइट साइड कीजिए, वो दूसरी साइड का दिख नहीं रहा, पहला काव्यांश का। सर बोल रहा है उसका काव्यांश हो गया। हाँ सर अब ठीक है सर, बिल्कुल थोड़ा सा और राइट कीजिए प्लीज। हाँ सर एकदम ठीक है। ठीक है चलो। डूबता सूर्य चिलम पर सुलगती आग की तरह, आप इतना ही लिखाएंगे। हाँ इतना ही कर लीजिए आज, और नेक्स्ट पीरियड तो हमारा नहीं, नेक्स्ट पीरियड दूसरी मैडम का होगा, किसी का भी होगा तो देख लेना। सर आप कैमरा थोड़ा सा राइट साइड करेंगे? सर बहुत ठीक कैमरा है सर, पूरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। हाँ सर पूरा ब्लैक बोर्ड के अलावा भी पूरा कमरा भी दिख रहा है। अच्छा जी बहुत अच्छे, तो फिर क्या बात है। ठीक है ओके। नो सर उसके दूसरी साइड में, दूसरी साइड में तो फिर टेढ़ा पड़ेगा ये। सर अभी दोनों तरफ से क्लियर दिख रहा है। बस 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 सही है सर, बहुत अच्छे। ठीक है आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी टाइम है, अभी भी आपके पास बचा हुआ है। ठीक है इसको कर लें। किसान के बारे में बताया गया, किसान किस तरह से जो है ये किसान का वर्णन किया है। सब्जियों की धरती एक शाम पर जो है कवि ने जो है प्रकृति का चित्रण किया है ना, इसमें आकाश नोटेड सर, और प्लास के नोटेड सर, ठीक है प्लास के फूलों के जंगल नोटेड सर, ठीक है प्लास के फूलों के जंगल, इन सब का जो है वर्णन उसने किया है कविता में। उनके बारे में अनेकों कविताएं हैं जो आपने पहले पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरा की लाली पहचान,
चिड़ियों के जगने से पहले घाट छोड़ गया किसान, किसान बहुत मेहनती होता है। Noted sir, done sir. Okay. Thank you.
जिस प्रकार से ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब आपका समय समाप्त हो रहा है ना, धीरे धीरे इस कक्षा को हम समाप्त करेंगे और अगली कक्षा आपकी प्रारंभ होगी। होमवर्क आप देख लें, हमने होमवर्क हमने क्रिएट कर दिया है अभी, है ना, आपका सेकंड क्लास का, इसको देख लीजिए, होमवर्क को भी देख लें आप, होमवर्क आपका क्रिएट किया जा चुका है ना, जो होमवर्क था वो हमने क्रिएट कर दिया है आपके गूगल क्लासरूम में, और सही टाइम पर उसको आप जल्दी करके भेजें। धन्यवाद, सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट। आपका कार्य हो गया सबका? यस सर, डन सर। यस सर। ओके।